हाय एवरीवन, तो मैं आज आपको बताती हूँ कुछ सिंपल टिप्स जिससे आप क्लाइंट के अंदर का सारा डेटा जो आपको ज़रूरी है एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर कि उनके घर को डिज़ाइन करने में जो आपको बहुत विच विल हेल्प यू अलॉट कि दीज आर दी थिंग्स जो आप ध्यान रखोगे तो एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर आप बहुत ईजिली उस क्लाइंट के मन की जो चीज़ें हैं उसको आप हाउ डू यू से दैट मीन उसको आप एग्जैक्टली बना सकते हो या पोर्ट्रे यू कैन पोर्ट्रे एग्जैक्टली व्हाट दे आर थिंकिंग आई मीन उनके इमेजिनेशंस को आप बिल्कुल लेके आ सकते हो विथ योर टेक्निकल नॉलेज एंड योर स्किल सेट ऑफ डिज़ाइनिंग द प्लेस. सो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, एक्चुअली 6 से 7 चीज़ें ही हैं जिनमें से आई विल जस्ट कवर 5 में ऑलमोस्ट सारा सब कुछ कवर हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने क्लाइंट में जो देखती हूँ आई विल जस्ट टेल यू 5 पॉइंट्स थ्रू विच आप समझ जाओगे कि क्लाइंट को एग्जैक्टली क्या चाहिए और दिस इज़ फॉर उनके लिए भी जो खुद भी अपना सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं कि जिनको खुद से डिज़ाइन करना है अपना घर. डेकोरेट डिज़ाइनिंग इज़ नॉट अ लेमेंस जॉब, डिज़ाइनिंग के लिए डिज़ाइनर ही हायर करना होता है. आप सिर्फ अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो. सो पीपल हु से मैंने अपने घर का इंटीरियर डिज़ाइनिंग खुद किया है, नो दैट्स जस्ट डेकोरेशन. डिज़ाइनिंग स्किल्स के लिए डिज़ाइनर ही चाहिए होता है. आई एम सॉरी अगेन, नो ऑफेंस, बट देन आई फील बैड फॉर दोज पीपल हु थिंक कि मतलब मैंने डिज़ाइन कर लिया. डिज़ाइन और डेकोरेशन में डिफरेंस होता है. सो यू ऑलवेज हैव टू से मैंने डेकोरेट किया अपने घर को. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. सो द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड, अपना सेल्फ असेसमेंट भी आपके लिए ईजी हो जाएगा और क्लाइंट्स को तो ऑफकोर्स ये चाहिए ही होता है. सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज क्लाइंट का टाइम लाइन. हर क्लाइंट मतलब मेरे पास 60% क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो मुहूर्त पहले निकलवा के आते हैं और बोलते हैं कि मेरे इस डेट को पूजा है तो इस डेट से पहले काम कंप्लीट करना है. सो मेरे को उन क्लाइंट्स को बिठा के समझाना पड़ता है कभी कभी कि देर आर टेक्निकल थिंग्स. अगर हम लोगों ने सोचा हुआ है कि कोई अगर आपके में बहुत ज़्यादा हाईटेक काम नहीं है, इट्स अ वेरी बेसिक सिंपल या जैसा ट्रेडिशनल काम होता है अगर वैसा काम है तो ऑफकोर्स आई कैन गिव यू अ टाइम लाइन कि इतने टाइम लाइन में मैं ये काम कंप्लीट करके दूंगी. पर अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं देन ऑफकोर्स यू शुड नॉट कमिट एनी टाइम. दैट्स द थिंग वेयर क्लाइंट से आपकी फ्रिक्शन की चीज़ें शुरू होती है क्योंकि आपको पता है कि आपके पास जो टीम है वो कितने दिन में कितना काम कर सकती है. अगर आपने उससे पहले कमिटमेंट दे दिया या अगर आपने क्लाइंट को ऐसा लगा कि ही इज़ इन हरी और उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए आपने ये बोल दिया कि हाँ ठीक है इस टाइम तक हो जाएगा, दो आप जानते हो कि ये उस टाइम तक नहीं होगा, तब आपके और आपके क्लाइंट के बीच में फ्रिक्शन आना 100% श्योर है. इसलिए टू बी स्मार्ट एंड असर्टिव, असर्टिव होना बहुत ज़रूरी है. आप असर्टिवली क्लाइंट को बोल दो कि मैजिक वोंड नहीं है हमारे पास, बिकॉज आई दैट्स हाउ आई से टू माई क्लाइंट्स कि जादू की छड़ी नहीं चला पाएंगे, काम काम के टाइम पे ही होगा. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट डोंट कमिट ऑन टाइम लाइन्स विच यू कैन नॉट फुलफिल, फर्स्ट थिंग. और क्लाइंट्स को भी ये समझाना होगा कि टाइम लाइन लेके आप नहीं आ सकते हमारे पास. अगर आपके पास टाइम कमर्शियल प्रोजेक्ट है तो ऑफकोर्स आई कैन अंडरस्टैंड देर आर टाइम लाइन्स, यू हैव टू गो बाय टाइम लाइन्स, बट देन तो फिर उनको अपने टेस्ट चॉइसेस भी ऐसी रखनी होंगी जो अवेलेबिलिटी डिपेंडेंसी जिन पे ना हो, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई कैन से, बजट. कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो बजट अपना रिवील करना चाहते हैं एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. यू शुड ऑलवेज टेल द डिज़ाइनर अबाउट योर बजट. इट्स लाइक यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर एंड यू आर नॉट टेलिंग कि आपके बॉडी के कौन से पार्ट में पेन कर रहा है एंड यू वॉन्ट डॉक्टर टू आइडेंटिफाई कि कौन से बॉडी में पेन हो रहा है. मतलब ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ नॉट अ मजिशियन. सो सेम गोज़ फॉर अ इंटीरियर डिज़ाइनर और अ आर्किटेक्ट टू. वो मजिशियन नहीं है, वो नहीं समझ सकते कि आपका कितना बजट है, व्हाट इज़ योर मैक्सिमम अपर लिमिट. तो यू हैव टू टेल द डिज़ाइनर और योर आर्किटेक्ट कि दिस इज़ माई पॉकेट साइज, आई विल नॉट गो बियॉन्ड दिस. सो आपको कैसे भी क्लाइंट से ये डेटा लेना ही है कि उनका बजट क्या है. अगर वो बोलते हैं कि आप बताओ कितना लगेगा तो आप काउंटर कर सकते हो. यू कैन कंटेस्ट ऑन दैट, यू कैन इमीडिएटली से दैट कि अगर आई एम अ डिज़ाइनर, आई स्काई इज़ द लिमिट, करेक्ट. सो सेम गोज़ फॉर एवरी डिज़ाइनर, स्काई इज़ द लिमिट. सो वाई डू आई वुड वॉन्ट कि मेरे को कोई लिमिट सेट करना पड़े. अगर कोई क्लाइंट ऐसा आ गया जिसके पास कोई लिमिट ही नहीं है तो आई वुड वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट और आई वॉन्ट टू डू एवरी थिंग विच इज़ टेक्नोलॉजिकली आई मीन ग्रोइंग और एनी थिंग लाइक दैट. सो फॉर दैट सेंस यू हैव टू एक्सप्लेन योर क्लाइंट कि आपको अपना पॉकेट साइज बताना ही पड़ेगा बिकॉज वही मेरा वर्किंग एरिया है. सो फर्स्ट थिंग इज़ टाइम लाइन, सेकेंड थिंग इज़ द पॉकेट साइज और द बजट लेंथ,
And the third thing is, I told you for the 5 points, right? And the third thing is interpretation of drawings. कई बार क्या होता है कि क्लाइंट्स को ड्राइंग्स इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल होता है, एंड विच इज़ वेरी नेचुरल. आई मीन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ क्लाइंट कि वो आपके ऑटोकैड के ड्राइंग्स एकदम उतने ही फ्लुएंटली समझ ले जितना आप समझते हो. लाइक आई विल शो यू फ्यू ड्राइंग्स विद माय बुक. आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. आई मीन इट्स नॉट दैट ईजी फॉर एनी क्लाइंट टू अंडरस्टैंड दैट कि आपने कुछ दिखा दिया और क्लाइंट वो समझ जाए. इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट जॉब. सो या से सपोज ये ड्राइंग आपने क्लाइंट को दिखाई, करेक्ट? अब ये ड्राइंग आप क्लाइंट से सोचते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि ये वो समझ लें. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. अगर आपका क्लाइंट इंटरप्रिटेशन में वीक है तो आपको डे वन मीटिंग में ही समझना पड़ेगा. आपको उनको थोड़े ऑटो कैड के ड्राइंग्स दिखाने होंगे और पूछना होगा कि सर या मैम या वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल. एंड वन मोर थिंग, डोंट अड्रेस योर क्लाइंट्स एज सर और मैम. जस्ट टेक देयर नेम एंड जस्ट हैव रिस्पेक्ट, बट आई मीन डोंट अड्रेस देम एज सर और मैम. आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट. मेनी ऑफ माई कोलीग्स डू दैट एंड मेनी ऑफ माई कंटेम्प्रेरी पीपल डू दैट, बट आई डोंट लाइक इट. सो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि डोंट डू दैट. आई मीन इट्स टू मच ऑफ रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट मीनिंग आई मीन इट्स टू मच ऑफ गिविंग. वाई डू हैव टू डू दैट? सो ओके, अगर इंटरप्रिटेशन उनका कितना स्ट्रांग है आपको समझना पड़ेगा. अगर उनका इंटरप्रिटेशन बहुत ही वीक है कि वो ऑटो कैड ड्राॅइंग में टी वी यूनिट का डिज़ाइन या साइज या नहीं समझ पा रहे, तो यू ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड. अगर आपको दिखता है कि इनमें लर्नेबिलिटी है, ये समझ सकते हैं, देन यू मूव अहेड विद द ऑटो कैड ड्राॅइंग्स. अगर एट सम पॉइंट मतलब ड्यूरिंग दैट कॉन्वर्सेशन इट्सेल्फ, अगर आपको ये लगता है कि ये क्लाइंट कैसे भी इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम और हर टू अंडरस्टैंड, देन ओनली यू गो फॉर 3D डिज़ाइंस. तब आप उनको अपने ऑटो कैड का 3D करके फिर दिखाओ. सो दैट विल बी ईजी फॉर देम. तो आधे से ज़्यादा क्लाइंट्स के वहाँ पर थोड़े शेकी हो जाता है उनका कॉन्फिडेंस. इट शेक्स अ लिटिल बिट कि उनको समझ में नहीं आता है कि ये कैसा दिखेगा, क्या होगा. बिकॉज अ डॉक्टर कैन रीड अ एक्सरे, नॉट एवरीबडी कैन रीड अ एक्सरे, बट फ्यू पीपल कैन. इट डजेंट मीन दैट एवरीबडी कैन, इवन आई कांट. सो इट्स लाइक दैट. सो थर्ड थिंग इज इंटरप्रिटेशन ऑफ योर ड्राॅइंग. फोर्थ थिंग इज दैट द कॉन्ट्रैक्टर्स यू हायर, दे हैज टू बी फ्रॉम योर एंड. क्लाइंट्स के रिश्तेदार पहचान बहुत होते हैं. जैसे क्लाइंट घर बनाना शुरू करता है, उनके सारे रिश्तेदार निकल के आते हैं. कोई फर्नीचर में काम करता है, कोई फ्लोरिंग में काम करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है. देर आर लॉट ऑफ वेंडर्स जो आते हैं ब्रैग करते हुए कि ओ माई गॉड, आई हैव दिस काइंड ऑफ मटीरियल, आई हैव दैट काइंड ऑफ मटीरियल. आप क्लाइंट को एक चीज़ डे वन से समझा दो, नो मैटर वॉट एवर मटीरियल यू यूज़, द वर्कर हैज़ टू बी माइंड ओनली इफ़ यू हैव रिसोर्सेज. अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो जो आपका क्लाइंट सजेस्ट कर रहे हैं उनका आप एक बार काम देखो, चेक करो उनकी टेक्निकल नॉलेज, उनका स्किल सेट समझने की कोशिश करो. आप अपनी ड्राइंग्स भी दो और ड्राइंग को वो बंदा इंटरप्रेट कर पा रहा है या नहीं आप वो भी चेक करो. क्योंकि अगर आपकी ड्राइंग वो बंदा इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा तो वो क्लाइंट के पास आपका गंदा फीडबैक देगा डेफिनेटली. क्योंकि आई डोंट से लेबर्स आर नॉट ह्यूमन बीइंग और वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग. आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू कैटेगराइज एनीबडी, बट देन दैट्स हाउ ह्यूमन बीइंग डज, दैट्स हाउ ह्यूमन डू. जब कोई चीज़ अपनी कैपेबिलिटी के बाहर चली गई है और आप उसको 10-20 साल से कर रहे हो तो आप उस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो. यू ट्राई टू डिनाई दैट फैक्ट दैट इसमें ही कुछ फॉल्ट है. आई एम वर्किंग फ्रॉम पास्ट 20 ईयर्स, आई हैव नो फॉल्ट इन मी. सो स्पेशली पीपल हु आर विथ लेस एजुकेशन फील दैट वे अ लिटिल मोर देन यू एंड मी. सो ये चीज़ है कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उनको इंटरप्रिटेशन आता है या नहीं. सो द कॉन्ट्रैक्टर्स हैज़ टू बी फ्रॉम योर एंड, हु कैन इंटरप्रीट योर ड्राॅइंग एंड हु कैन अंडरस्टैंड योर कमांड्स एंड हु नो योर लाइकिंग एंड योर एक्सपेक्टेशंस. इफ नॉट देन प्लीज डू चेक ऑल दीज क्वालिटीज फ्रॉम द क्लाइंट्स एंड. सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट. एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट विच इज यू कैन से इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, आई मीन बोथ ऑफ द थिंग्स. सो वंस लाइक आई विल टेल यू, this is I think sometimes it's very important, sometimes it's not, that you don't have to cross your professional boundaries with your client. You don't have to be friendly, a lot friendly with them, because once you start being friendly with them, few clients take it as like very, they're very cool, and few clients take it as like, I mean, thoda
when you be a little bit friendly with them, they take the liberty of saying you or telling you anything which is not even appropriate. Appropriate meaning ki agar aap unse professional rahoge, if you will stay in your boundaries, they will definitely think twice before telling you or advising you or taking your advice anything on anything. कि मतलब जब उनको लगेगा कि यार दिस इज एग्जैक्टली नेसेसरी, तभी वो दिल पिंग यू, तभी दिल टच यू. अदरवाइज इफ यू आर आई मीन ओवर फ्रेंडली विद देम, दे कैन आई मीन यू आर रीचेबल टू देम एनी टाइम. सो वंस यू आर रीचेबल टू योर क्लाइंट एनी टाइम, दे थिंक कि दैट यू आर देयर काइंड ऑफ पेट डिज़ाइनर. नॉट एवरीबडी बट फ्यू ऑफ देम. और वो फ्यू ऑफ देम की वजह से भी आपका क्या होता है ना, सारा दिन सड़ जाता है. कि जिस क्लाइंट का बार बार दिन में 4 बार 5 बार 6 बार फोन आ रहा है, यू गेट इरिटेटेड. फिर ऑटोमेटिकली उस साइड से चिड़ होने लगती है. फिर ऐसा लगता है यार व्हाट इज़ दिस प्रोजेक्ट, कब खत्म होगा, ऐसे फील आता है. सो टू अवॉइड दिस फीलिंग, जस्ट बी प्रोफेशनल, बी असर्टिव विद योर क्लाइंट अंटिल द प्रोजेक्ट इज ऑन कंप्लीशन स्टेज. वंस अ प्रोजेक्ट एक बार कंप्लीट होने के स्टेज में आ गया, यू कैन बी फ्रेंड्स विद देम और एनीथिंग यू वॉन्ट. आई एम जस्ट लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु वर अर्लियर माई क्लाइंट्स एंड नाउ दे आर माई वेरी गुड फ्रेंड्स. And that there is nothing wrong about that. But then initially, जब आपका काम चल रहा है, you have to be assertive and you have to stay into your professional boundaries. That's very important, very important. Once you give them the liberty, few people are understanding and few people are mature enough to not use their liberty and don't go out of their dignity. But few people are creepy, so don't give that chance to. I mean, yeah, you know better. So yeah. सो दीज आर द फ्यू टिप्स थ्रू विच आप अपने क्लाइंट को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर सकते हो. और अगर आपका एक कोई भी प्रोजेक्ट बैलेंस तरीके से चल रहा है, इट इज़ नॉट अ हेडेक फॉर यू और दैट विल डेफिनेटली ब्रिंग यू मेनी प्रोजेक्ट्स. और इससे आपके क्लाइंट के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होता है और उसको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है. बोथ, इट्स वाइस वर्स. सो या दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.